तो यहाँ पे हैं ये साइलेंट एडवेंचरर्स, ये इन्होंने हेडफोन्स लगाए हुए हैं, बस नाचते नाचते पूरी जगह को देखते हैं ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम आपके लिए एक नई जगह लेकर आए हैं। अभी हम खड़े हैं ट्रफेल्गर स्क्वायर पे, तो हम आपको पूरा ट्रफेल्गर स्क्वायर दिखाएंगे, प्लस यहाँ का जो फेमस लेस्टर स्क्वायर और उसके साथ पिकेडली सर्कस, जो यहाँ का एक मिनी टाइम स्क्वायर टाइप जगह बनाई हुई है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको आज घुमाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। बार आ चुकी है यहाँ पे? मैं ज्यादा बार नहीं आई क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, तो मुश्किल से दूसरी या तीसरी बार आई हूँ। ओके, तो आपको पता पापा यहीं पे क्या कहते हैं DDLJ में? अच्छा। अमरीशपुरी दाना डालता है स्टार्टिंग में ही। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे खड़े होके ये फुहारे के पास मतलब ऐसे दाना डालता है। तो कैसा लग रहा है, आपकी लास्ट ट्रिप है इस साल की? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, स्वीट्स मेमोरी लेके जा रहे हैं। हाँ, फिर दोबारा आएंगे। तो ये जगह का नाम है ट्रफेल्गर स्क्वायर, काफ़ी फेमस है ये जगह। और यहाँ पे क्रिसमस मार्केट भी लगी हुई है यहाँ पे, तो वही हम देखने जा रहे हैं। नहीं, बहुत बड़ी नेशनल गैलरी है यहाँ पे, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हैं जो लगी हुई हैं यूरोप की और काफ़ी जगहों की। तो हम एक बार गए थे लेकिन हमें काफ़ी बोरिंग लगी, सारी चीज़ें आर्ट समझ नहीं आती ना। ट्रफेल्गर से ही नेक्स्ट पड़ता है लेस्टर स्क्वायर, तो वॉक करके वहाँ पे जाएंगे, पास में ही है और काफ़ी अच्छी जगह है वहाँ पे। अभी हम खड़े हैं ट्रफेल्गर स्क्वायर के पास और यहाँ पर भी एक क्रिसमस मार्केट लगी हुई है। तो ये जो है ये पूरी मार्केट की स्टार्टिंग है यहाँ से, और जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं वहाँ पे डोनट्स मिल रहे हैं और फज मिल रहा है, तो वो आप क्या कहते हैं कस्टमाइज करा सकते हैं। कॉफ़ी वगैरह भी मिल रही है यहाँ पर, तो देख सकते हैं काफ़ी रश है पीछे क्योंकि मीठे के बड़े शौकीन होते हैं ये लोग। और सर्दियों में कॉफ़ी और डोनट मिल जाए तो बात ही क्या है। तो यहाँ पे काफ़ी कपड़े वगैरह मिल रहे हैं छोटे छोटे, और सोवेनियर्स हैं। ये क्या है स्पेशल? हैंड क्राफ्टेड मीडियम लेदर जर्नल, लेदर जर्नल्स हैं, काफ़ी यूनिक चीज़ लग रही है उनके लिए, अच्छी है। जो कि क्रिसमस ट्री पे लोग लगाते हैं, इस पे नाम भी, और इस पे नाम भी लिख सकते हैं, ये ऐसे अपनी फैमिली को बनवा सकते हैं। ये सब कुछ वुड का बना हुआ है, वुडन होल्डर्स हैं ये, और उसके अंदर आप टी लाइट्स नेक्स्ट यहाँ पे मिल रहे हैं सॉसेज जो हम यही खाते हैं। तो यहाँ पे मिनी पैनकेक्स मिल रहे हैं छोटे छोटे वाले। तो वहाँ पे काफ़ी रश था, तो हमें भी इंटरेस्ट आ गया कि ये मिनी पैनकेक्स ट्राई करते हैं। तो हमने लिया एक पोर्शन एंड वी विल ट्राई, दिस इज न्यूटेला। सो यहाँ वही वाइन वगैरह या ड्रिंक्स वगैरह मिल रहे हैं बस, ये फिर चॉको वर्ल्ड या चॉकलेट मिल रही है। यहाँ ये सॉस वगैरह मिल रहे हैं, ये 50 pounds का, काफ़ी एक्सपेंसिव है, ये 25 pounds का। ये बैंड टाइप के भी हैं।
यहाँ पे काफ़ी थिएटर्स हैं और यहाँ पे पसंद भी सबको काफ़ी है ये सब प्लेस वगैरह वॉच करना। तो अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ म्यूजिकल्स होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं। तो पीछे भी एक हमारे एक थिएटर ही है जिसका नाम है ड्रिफ्टर्स गर्ल। हाँ, बट इतना पता नहीं किस बारे में, बट हाँ काफ़ी यहाँ पे पॉपुलर है। लेसी स्क्वायर आने वाला है, यहाँ पे बहुत पब्स और बार्स हैं बने हुए एज यू कैन सी। बट यहाँ पे ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो प्रॉपर टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स हैं, वहाँ पर कई बार क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, कॉस्ट तो हाई ही रहती है। तो हमारा तो ये एक्सपीरियंस है, बाकी हो सकता है किसी का अलग भी हो। तो कमेंट करके हमें बताइए कि अगर आपको यहाँ पे कुछ ऐसा अच्छा मिला हो, कभी अच्छा खाया हो, तो वी विल डेफिनेटली वॉन्ट टू ट्राई। तो हम 10 मिनट वॉक करके ट्रफेलगर से पहुँच गए हैं अब लेस्टर स्क्वायर्स, और यहाँ पे ये बहुत फेमस है अपने कैसीनोज के लिए। यहाँ पे एक हिप्पोड्रोम करके नाम से कैसीनो है, उसकी 2-3 ब्रांचेस हैं, बहुत ही फेमस है वो। और मोस्टली लोग यहाँ पे सड़कों पे बाहर स्क्वायर पे घूमते रहते हैं, काफ़ी एंजॉय करते हैं लोग यहाँ पे, काफ़ी परफॉर्मर्स भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ये एक ओडियन थिएटर है काफ़ी फेमस। और काफ़ी पब्स वगैरह भी हैं यहाँ पे आउटडोर में। कैसीनो जाना, कैसीनो कैसीनो फिर लेट हो गए बहुत, फिर किसी वेले चलेंगे। चलो चलो, हो गई हो गई। जैम्स ही दुकान है, जैम्स नहीं जाना, फोटो करते। अब लेस्टर स्क्वायर से कहाँ जा रहे हैं हम? पिकेडली सर्कस। यस, लंदन का टाइम्स स्क्वायर। तो जिसने फॉरेस्ट गम मूवी देखी है वो इसको पहचान सकते हैं, बाबा गम श्रिंप्स। देखो जनता वज्जी जा रही है, रोक ही नहीं रहे। तो यहाँ पे ये सुविनियर शॉप्स बहुत हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट आते हैं और मोस्टली यहाँ पे जो काम कर रहे लोग होते हैं वो देसी होते हैं, तो ये मोस्टली शॉप सब उन्हीं की हैं। तो यहाँ पे किंगडम ऑफ स्वीट्स है, यहाँ पे सब कुछ मीठा मिलेगा, बच्चों को बहुत पसंद है यहाँ पे जाना, बहुत बड़ी बड़ी बहुत बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे।
तो सामने क्रिसमस लाइट्स भी लगी हुई हैं और आने वाला है पिकेडली सर्कस। ये है कुछ और सुवेनियर की दुकानें। ये है स्क्रीन्स लगी हुई है पीछे टाइम्स स्क्वायर की तरह और ये मेन पिकेडली सर्कस है और यहाँ ये नॉर्मल रश है। वीकेंड्स पे यहाँ पे बहुत से सैलानी आते हैं घूमने के लिए और देखिए बहुत ही रश है। तो यहाँ पे रेगुलरली ये स्ट्रीट परफॉर्मर्स परफॉर्म करते रहते हैं और यहाँ पे देखिए बच्चों को भी सिखाया जा रहा है तो काफ़ी लोग एंजॉय करते हैं यहाँ पे। तो जो सेंटर में आप ये काले रंग का स्टैचू देख रहे हैं गॉड ऑफ लव ग्रीक गॉड है ये जिनका नाम था एंटेरोस। तो यही था हमारा आज का वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय फ्रॉम कियान।